खान है, मैं अयूब मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात कर रहा हूँ वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन हम ये इसलिए मनाते हैं कि लोगों को इस बात का एहसास दिला सकें कि हमारी जहनी सेहत जिस्मानी सेहत की तरह ही ज़रूरी है, बल्कि शायद से ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ के दरमियान लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म की जहनी बीमारियों का शिकार हैं। WHO हमें यह भी बताती है कि तकरीबन अगले 10 साल के अंदर डिप्रेशन दुनिया की नंबर 1 बीमारी बन जाएगी, यानी डिप्रेशन से सफ़र करने वाले लोगों की तादाद दुनिया में किसी भी बीमारी से ज़्यादा होगी। एक तरफ तो ये आदाद व शुमार हैं जो हमें ये बताते हैं कि जहनी सेहत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरी तरफ हमारे माशरे में फैले जाने वाला स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन है कि जहनी सेहत का मतलब सिर्फ ये है कि आपको कोई पागलपन की बीमारी है, और लोग जहनी सेहत को तवज्जो भी नहीं देते और साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डरते भी हैं क्योंकि उनके ऊपर एक लेबल लग जाता है और लोग उनको मुख्तलिफ निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि चाहे आप अमीर हों, चाहे आप गरीब हों, चाहे मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, मशरक में हो, मगरब में हो, हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी जहनी सेहत के मसाइल हो सकते हैं, और आप उनका उसी वक्त सही तरीके से मुकाबला कर सकते हैं जब आपको अवेयरनेस हो। शुक्रिया।